नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी और बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व क्रिकेटर सलीम दुर्रानी के निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व क्रिकेटर को अपने आप में एक संस्था बताया। प्रधानमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में भारत के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सलीम दुर्रानी का निधन 2 अप्रैल को जामनगर में हुआ। वह 88 साल के थे और काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। हर कोई क्रिकेट में उनके योगदान को याद कर रहा है। उन्होंने करीब 13 साल तक भारतीय क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व किया। वह दर्शकों की मांग पर छक्का मारने के लिए मशहूर थे, लेकिन अब दुनिया से अलविदा कह दिया है। सलीम दुर्रानी ने भारत को टेस्ट में कई यादगार जीत दिलाई। साल 1961-62 में इंग्लैंड के खिलाफ कोलकाता और मद्रास टेस्ट में टीम इंडिया को जिताने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तब उन्होंने कोलकाता टेस्ट में 8 और मद्रास टेस्ट में 10 विकेट लिए थे। करीब 10 साल बाद उन्होंने एक ऐसी ही यादगार जीत भारत को वेस्ट इंडीज के खिलाफ पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट में भी दिलाई थी। उस मुकाबले में उन्होंने क्लाइव लॉयड और गैरी सोबर्स के विकेट दोस्तों झटके थे और अब दोस्तों दुनिया से अलविदा कह दिया है। दूसरी ओर भागलपुर से गहरा नाता रखने वाले मुंगेर जिला के जमालपुर निवासी हरफन मोला क्रिकेट कृष्ण ढकाल के अचानक निधन से मांगलपुरी के क्रिकेटरों में शोक की लहर दौड़ गई है। यानी कि 2 क्रिकेटरों का निधन हो गया है, जिसके बाद क्रिकेट जगत में मातम पसर गया है। अब तक की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। 2 क्रिकेटरों का निधन हो गया है, जिसके बाद देश में मातम पसर गया है। दोस्तों सलीम दुर्रानी का निधन दूसरी और क्रिकेटर कृष्ण ढकाल का भी अचानक निधन हो गया है। परिवार में शोक की लहर है। तो आप सभी दोस्तों से अपील है कि कमेंट बॉक्स को खाली बिल्कुल ना छोड़ें। कमेंट बॉक्स में ओम शांति ओम जरूर लिखें।